ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह ला सियमा बक़ियतिल्लाह। अम्मा बाद फकत क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल मुहकमिल किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामीन कराम, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत फरमाई वो सूरह बकरा की 183वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम माह रमज़ान मुबारक की तरफ इशारा फरमा रहा है। खैर, फिलहाल माह रजब गुजर गया और माह शाबान चल रहा है, और जिस रफ्तार से माह रजब गया उसी रफ्तार से माह शाबान भी गुजर रहा है, और एक दिन माह रमज़ान का चांद फलक पर नमूदार होगा और हमें बताएगा कि अल्लाह का महीना शुरू हो गया। और खुदा की कसम, हमने माह रजब और माह शाबान से कितना फायदा उठाया, इस चीज की जानकारी हमारी नफ्स और हमारा वजूद जानता है। हमने इन अय्याम में, इन महीनों में कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी इबादत को अंजाम दिया, कितने अमल सालेह किए। बेशक हमारा नफ्स और हमारा वजूद जानता है। खैर, ये एक अलग मौजू है, लेकिन अब जो महीना आ रहा है उसमें आप क्या करेंगे, इस बात का फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का महीना है, ये उसका महीना है जो खालिक कायनात है, जिसने तमाम आलमीन को खल्क किया। बेशक फर्क पड़ता है हमें क्या करना है। और एक मर्तबा और मैं आपसे कह दूं कि माह रजब जो है, उसके बाद माह शाबान, और माह शाबान के बाद माह रमजान आता है। बेशक ये सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने इसमें भी तरतीब रखी है। जैसे माह रजब यानी हजरत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का महीना है, और उसके बाद माह शाबानुल मुअज़्ज़म, जो कि रसूल इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और उसके बाद माह रमज़ान मुबारक यानी परवरदिगार आलम यानी खुदावंद आलम का महीना है। इससे क्या जाहिर है, खुदावंद आलम ने यह तरतीब क्यों रखी, आइए मैं आपको बताऊं। उन्होंने यानी उसकी तरतीब रखने की जो वजह है वो ये है कि यानी अली यानी विलायत, रसूल यानी रसालत, और खुदावंद आलम की बारगाह यानी खुदावंद खुद। इससे ये जाहिर होता है कि अगर 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 तुम विलायत तक ना पहुंचे तो तुम बगैर विलायत के रसालत तक नहीं पहुंच सकते, और तुम बगैर रसालत के खुदावंद आलम की बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। बेशक ये तीनों जात लाजमी है, होना जरूरी है। इंसान नीचे से ऊपर जाता है, ना कि ऊपर से नीचे। ऐसे ही पहले हम विलायत तक पहुंचेंगे, उसके बाद रसालत तक, उसके बाद खुदावंद आलम की बारगाह तक। हमने माह रजब में विलायत से कितना फायदा उठाया, कितना आशना हुए, हमारा नफ्स और हमारा वजूद जानता है। और हम माह शाबानुल मुअज्जम जो कि अभी चल रहा है, उससे हम कितना फायदा उठा रहे हैं, ये भी हमारा नफ्स और हमारा वजूद जानता है। और आगे जो माह आने वाला है यानी माह रमजान मुबारक, जो कि परवरदिगार आलम का महीना है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हमने माह रमजान मुबारक की तैयारी की, उसकी आमादगी की? क्या उसकी आमादगी के बारे में कुछ सोचा कि आखिर ये रोजा है क्या? अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने ये रोजे हम पर वाजिब क्यों करार दिए? इसका मकसद क्या है? इससे हमारा क्या फायदा होगा और अल्लाह का क्या फायदा है? क्या कभी इस बारे में सोचा आपने? खैर आइए, गुफ्तगू आपके सामने है, इंशाल्लाह आपके सामने गुफ्तगू होगी। और एक मरतबा और मैं आपसे कह दूं, खुदा की कसम ये महीना पुरफजीलत है। क्यों? क्योंकि इस महीने में हम मेहमान खुदा होते हैं और खुदा वंद आलम हमारा मेजबान होता है। अल्लाह अकबर, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और इससे ज्यादा और मैं बयान कर दूं, खुदा वंद आलम ने अपनी तमाम आसमानी किताबें, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो जबूर हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो कुरान मजीद हो, इन्हीं महीनों में नाजिल किया। खुदावंद आलम ने अपनी चारों किताबें इन्हीं महीनों में नाजिल की, यानी इसी महीने में, माह मुबारक रमज़ान में। और खुदावंद आलम ने किसी भी महीने को अपना महीना करार नहीं दिया सिवाय माह रमज़ान के। तो बाकायदा, यानी इससे जाहिर होता है कि ये माह जो है ये फजीलत रखता है। ये और महीनों की तरह आम महीना नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का महीना है। और खुदावंद आलम इस माह से पहले और फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम मेरी इताअत करो, तुम दुनिया की रंगीन वादियों में गुम हो, तुम नहीं जानते। ए मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह में आके तो देखो। ए मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह में कदम बढ़ा के तो देखो, देखो मैं तुम्हें क्या नहीं अता करता। खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा वैसा रब हूं जैसा तुम चाहते हो, तो क्यों ना तुम वैसे बन जाओ जैसा मैं चाहता हूं। और उसके बाद खुदा की कसम खुदा फरमाता है, अब्दी अतानी अजल क्या मसली, यानी फरमाता है कि ए मेरे बंदो, मेरी इताअत करो, तुम मेरी इताअत का दम भरने लगो और मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। अल्लाह अकबर, खुदावंद आलम इससे ज्यादा और क्या फरमा सकता है? अब्दी अतानी अजल क्या मसली, यानी तुम मेरी इताअत का दम भरने लगो और मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा। इससे मुराद मालूम है क्या है? इससे मुराद यह है कि तुम वो सुनने लगोगे जो तुम्हारे कान सुनने की सलाहियत नहीं रखते, तुम वो देखने लगोगे जो तुम्हारी आंखें देखने की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर, अब इससे ज्यादा खुदावंद आलम इस खाकी इंसान को क्या अता कर सकता है? और एक बात ध्यान रखें, अल्लाह की इबारत करना यह हमारा अहम मकसद है। और हम एक मरतबा फिक्र करें कि आखिर खुदावंद आलम को हमसे चाहिए क्या? क्या खुदावंद आलम किसी चीज को किसी चीज से न्याज रखता है? कभी सोचा है कि खुदावंद आलम को हमसे चाहिए क्या? तो इसका जवाब है, खुदावंद आलम गनी मुतलक है, बेनियाज है। और उसके बाद फरमाता है, तुम मेरी इताअत का दम भरने लगो और मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा और तुम बस में इंसानी होने के बावजूद मलाइका से अफजल नजर आने लगोगे। अल्लाह अकबर, बस सिर्फ जरूरत है तो कदम बढ़ाने की, जरूरत है वो करने की जो अल्लाह चाहता है, जरूरत वो है जो रसूल खुदा और अहले बैत चाहते हैं, और जरूरत वो है करने की जो हमारा वक्त का इमाम चाहता है। तो आए हम सोचें कि आखिर ये माह रमज़ान क्या है, अल्लाह ताला ने इस रमज़ान को वाजिब करार क्यों दिया, इससे हमारा क्या फ़ायदा है। इंशाल्लाह बात आपके सामने होगी। आज की जो हमारी वीडियो थी वो वीडियो आमादगी माह रमज़ान की वीडियो थी, यानी माह रमज़ान की आमादगी हम कैसे करें, क्या उसकी आमादगी लाजिम है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि एक बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि उस बच्चे का इम्तिहान कल है। अगर उस बच्चे ने इम्तिहान की तैयारी की होगी तो यकीनन इम्तिहान में कबूल होगा और अच्छे नंबर से कबूल होगा। और अगर उसने इम्तिहान की तैयारी नहीं की होगी, आमादगी नहीं की होगी, तो वो बेशक इम्तिहान में फेल होगा। तो यही मसला माह रमज़ान का भी है। अगर आपने माह रमज़ान की तैयारी माह शाबान में ही कर ली तो यकीनन आप कामयाब हैं। और इसी के साथ मैं एक और मिसाल दूंगा आपको। जैसे मान लिया आपकी स्कूल जाना है और उसने स्कूल जाने से पहले होमवर्क नहीं किया है, तो वो बच्चा डरता है, घबराता है, डरता है स्कूल जाने से। क्यों? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया है। तो हमें भी ऐसा ही करना है। माह रमजान की तैयारी, उसकी आमादगी हमें माह शाबान में ही कर लेनी होगी। हमें ये समझना होगा कि आखिर अल्लाह ताला ने ये रमजान क्यों बनाया, हम पर वाजिब क्यों किया, इससे हमारा क्या फायदा है और इसका जो अहम मकसद है वो क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोजा को छोड़ दें। बस अजीजों, आज का मौजू यही था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। बस इन्हीं जुमलों के साथ वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।